हेलो। और आज मैंने बनाया है दाल ढोकरी, और ये दाल ढोकरी बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी सी बनती है। मैंने गुजराती स्टाइल में बनाई है। पर्सनली मुझे है ना दाल ढोकरी बहुत ही पसंद है। तो ये देखिए, मैंने जो छोटी कटोरी आती है ना वो मैंने ली है, 2 कटोरी दाल ली है, और ये पीली तुअर की दाल आती है ना वो ली है, कोरी दाल है। ये हमारे यहाँ पर गुजरात में तेल वाली भी मिलती है, लेकिन मैंने कोरी ली है। मैं पर्सनली कोरी यूज़ करती हूँ। उसमें मैंने डाल दिया था पानी। और अभी जब अपने बनाएंगे ना दाल ढोकली, तो शुरुआत में तो सिर्फ हल्दी और नमक ही मैं इसमें डालती हूँ। और ये देखिए, मैंने डाल दिया था, उसको गैस पे चढ़ा दिया था, 2 सीटी आई थी, और फिर मैंने उसको बंद कर दिया था, क्योंकि उसमें जितना आपको पतला रखना हो ना, क्योंकि दाल ढोकली जब अपने ढोकली डालते हैं ना तो बहुत गाढ़ी सी हो जाती है, इसलिए इसको शुरुआत में थोड़ी पतली रखनी पड़ती है। तो ये मैंने देखिए उसमें, उसको जब मैं कुकर खोला था 2 सीटी के बाद, तो उसके बाद मैंने देखिए उसमें मैं डाल दिया था गुड़ और इमली डाल दी थी। ऐसे आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर हमारे यहाँ पे इमली डालते हैं। और सींग होती है ना, कच्ची सींग, वो मैंने डाल दी थी। और फिर ये देखिए, ढोकली बनाने के लिए मैंने है ना आटा ले लिया था, उसमें ले लिया था नमक, पीसी मिर्ची और नमक। और ये मैंने अच्छी तरह, इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच रिफाइंड तेल भी मिलाया था, और इसको अच्छी तरीके से मैंने सान लिया था, सान के आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। और जो दाल ढोकरी, जो दाल बन रही है ना, उसको मैंने चढ़ा के और उसके बाद मैंने ये आटा साना था, वो उधर खोल रहा था पानी, क्योंकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए ना। देखिए, आधे घंटे के बाद मैंने अच्छी तरीके से आटा सान लिया था, फिर उसको आधे घंटे की रेस्ट के बाद देखिए कितना अच्छा सा हो गया है, थोड़ा फूल भी गया है। और फिर उसमें थोड़ा तेल लगा के उसको अच्छे तरीके से मैंने मसल लिया था। फिर मैंने एक जो आटा अपने रोटी बनाते हैं ना, उससे यानी 2 गुना ज़्यादा थोड़ी मोटी सी लोई लेनी होती है। अब ये देखिए, मैंने लोई ले ली है और अच्छे तरीके से उसको बड़ी सी रोटी बेल ली थी। ऐसे तो काफ़ी लोग हैं ना, इसको काफ़ी अलग अलग शेप में भी बनाते हैं, पर यहाँ तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली ये बनती है, ऐसी ही बनती है चकोरी स्टाइल में। तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से बना लिया था, और बड़ी सी है ना रोटी बेल के उसको चक्कू से मैंने पीसेस कर लिए थे। और पीसेस करने के बाद इधर मैंने पीसेस किए, और उधर पे मेरी दाल भी अच्छी तरीके से खोल गई थी, यानी बॉईल हो गई थी। और इसमें है ना प्याज लहसुन नहीं डालना हो तो भी चलेगा, पर मैंने जब फ्राई किया था ना तो प्याज लहसुन से फ्राई किया था, और टमाटर मैंने डाला नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें इमली डाल दी थी ना, इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाला है। और उसके बाद देखिए, मैंने चौरस आकार में इसको काट लिया था, और ये अच्छी तरीके से काट के मैंने जो दाल मेरी खोल रही थी ना उसी में डाल दिया था। और मैं फिर से कहना चाहेंगी, काफ़ी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें दिल से थैंक यू। और जिन लोगों ने नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके मेरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और काफ़ी लोगों ने कहा है कि मैम आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, तो थैंक यू, ये जो है नेचुरली है, और थैंक यू इसके लिए। और ये देखिए, मैंने एक बाउल में उसको खाली कर लिया था कुकर से, ताकि चलाते अच्छी तरह बने। और फिर देखिए, मैंने ढोकली जो थी ना उसको डाल दिया था, और सिर्फ 2 मिनट के लिए उसको पकाया था। और आटा, क्योंकि आटा होता है ना, उसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है। और फिर उसके बाद ये देखिए, मैंने कढ़ाई में ले लिया था सिंग का तेल ले लिया था, सिंग तेल लेके उसमें डाल दी थी राई और कड़ी पत्ता और हींग डाल दिया था। फिर ये प्याज और लहसुन को मैंने क्रश करके रखा था, उसको अच्छे तरीके से देखिए मिला लिया था, भून लिया था। और बस फिर, क्योंकि हमने बाकी चीज़ें तो सब हमने दाल ढोकरी के अंदर पहले से ही दाल में डाल रखी हैं, इसमें सिर्फ इतना सा डाल के इसको मैंने देखिए दाल ढोकरी का बनाई थी ना उसमें डाल दिया था फ्राई को। और फिर उसके ऊपर से मैं डाल दी थी धनिया। और ये देखिए कितनी मस्त सी और बहुत ही टेस्टी सी, अगर इस तरीके से आप बनाएंगे ना इसको, अगर आप 1 घंटा 2 घंटा भी रखेंगे ना, तो ये गाढ़ी नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा खोलाया नहीं है, पहले से ही गर्म, जब दाल बन रही थी तब भी हमने ढोकली डाल दी थी। और ये देखिए, इसे घर में बनाइए, खाइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।